सर, दिस इज कुमार दीपकदर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड गीलू गीलू लेसन ऑफ 10th क्लास बिहार बोर्ड। महादेव वर्मा ने इसको लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग महादेव वर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। महादेव वर्मा 1907-1987 वाज ए लीडिंग पोएटिस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। महादेव वर्मा हिंदी के छायावादी स्तंभ जो होता है, तो छायावादी स्तंभ के एक प्रमुख कवित्री है, कवित्री थी ये। शी वॉज ऑल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर, वह एक सुप्रसिद्ध कहानीकार भी थी। एडिटर ऑफ ए फेमस हिंदी वीकली चांद, और वीकली एक साप्ताहिक पत्रिका आता है हिंदी में, वो आता था पहले, ठीक है, उसका वो एडिटर भी थी, संपादक थी। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हुई है, जिसमें शामिल है उनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। दीपशिखा है, यामा है, निहार, ये पोएट्री यानी कि पोएम का संग्रह है ये, इसमें बहुत सारे उन्होंने पोएम लिखा हुआ है। श्रृंखला की कड़ियाँ ये भी है, मेरा परिवार, तो ये सब महादेव वर्मा का लिखा हुआ चीज है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। शी वॉज द रिसिपियंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, वे मंगला प्रसाद प्राइज की प्राप्तकर्ता भी थी। भारत भारती अवार्ड ये भी उनको दिया गया था, एंड जनपथ अवार्ड अलोंग विद पद्म भूषण। पद्म भूषण के साथ साथ उन्हें जनपथ अवार्ड, भारत भारती अवार्ड, मंगला प्रसाद प्राइज, ये सब कुछ उनके दिया गया था, वे सब इन ये सब की वे प्राप्तकर्ता थे। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, वे साहित्य अकेडमी के फेलो भी चुनी गई थी, वो साहित्य अकेडमी की मेंबर भी थी। तो लेसन यहाँ पे स्टार्ट होता है गीलू, तो मैं आपको लेसन शुरू करने से पहले गीलू का समरी बता देता हूँ, मैं गीलू के बारे में बता देता हूँ। गीलू यहाँ पे एक गिलहरी का नेम होता है, और ये गिलहरी महादेवी वर्मा को अचानक से ही मिल जाती है। ये छोटी सी गिलहरी होती है, पहले वो अपने घोंसले से गिर गई होती है, और उस पर उसको कौवा जो है ना अपने चोंच मार रहे होते हैं, और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको मार रहे थे ताकि वो खा सके। अचानक इनको दिखती है वो, और उसे उठा करके अपने घर पर ले जाती है महादेवी वर्मा, और उसको मरहम पट्टी करती है, उसके बाद से उसे कुछ खिलाती पिलाती है, और उसको मतलब कि ठीक करती है, और फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, इनके साथ रहता है, और लगभग जितना दिन रहना होता है, जितना इसके गिलहरी का उम्र होता है, उतने समय तक ये रहता है उनके साथ, लगभग 2 साल, और उसके बाद से वो फिर मर जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, गीलू के बारे में ही बताया गया है, एक गिलहरी के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं लेसन को। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरांडा फ्रॉम द रूम, अचानक एक सुबह जब मैं रूम से बरांडा में प्रवेश की, ये आई जो है महादेवी वर्मा के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं जब भी होगा वो महादेवी वर्मा के लिए होगा। आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पॉट्स, मैं देखी 2 कौवे बिल्कुल ही प्लेफुली मतलब मजे में वो फ्लावर पॉट्स पे चोंच मार रहे थे अपने। फ्लावर पॉट्स आप गमला कह सकते हैं जिसमें फूल लगता है, तो वहाँ पे गमला था, और गमला पे वे 2 कौवे जो थे वो चोंच मार रहे थे। एज इफ एंगेज्ड इन गेम ऑफ हाइड एंड सीक, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वे लोग लुक्का छिपी के गेम में व्यस्त हों, लुक्का छिपी खेल रहे हों। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुक्का छिपी। सडनली माई असीडस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरसेप्टेड बाई द गेज दैट फेल ऑन दिस टीनी बींग लाइंग हिडन इन द गैप एट जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल। तो अचानक के ये इनका जो नजर है वह छोटे से जीव पे पड़ा। वे कौवे के बारे में कुछ बड़ा भुला कह रहे थे कि ये कौवे बहुत गंदे हैं, ठीक है, ये इनके कौवे के बारे में कुछ कहानियां बता रहे थे कि इनकी ये अच्छे नहीं होते, ये कौवे जगह छोटे से जीव को चोंच मार रहे हैं उसको। तब तक उनकी नज़र क्या होती है ना कि वो उसकी आलोचना कर रही थी,
तब तक उनकी नजर पड़ जाती है कहाँ पे, तो छोटे से जीव पे, लाइंग हिडन इन द गैप एट जंक्शन और ऑफ द पॉट विद द वॉल। और वो जो छोटा सा जीव है वह छिपा हुआ था वॉल और जो फ्लावर पॉट होता है वहां पे, जो जंक्शन होती है एक छोटा सा जगह बन जाता है, जैसे कि हम लोग फूल का जो गमला है वो रख देते हैं और दीवार के साथ आकर के दीवार और जो गमला के बीच का जो जगह होता है वहीं पे वो जाकर छिपा हुआ था, वहीं पे वो था छोटा सा जो जीव था। मूविंग क्लोजर, नजदीक जाकर के आई सॉ दैट इट वॉज अ टीनी बेबी स्क्वायर, नजदीक जाकर के मैं देखी कि यह एक छोटा सा बेबी स्क्वायर था, छोटा सा बच्चा स्क्वायर गिलहरी का। That must have accidentally fallen down from a nest, जो कि अकस्मात यानी किसी तरीके से अचानक वो गिर गया होगा अपने घोंसले से। And was now being considered by the crows to be an easy prey, और अभी वह कौवों के द्वारा प्रे शिकार बनाया जा रहा है, शिकार वो कौवे उसको क्या मार करके खा जाएंगे उसको। Having sustained two wounds due to assault by the pair of crow was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pod. कौवे जो थे उस पे चोच मार दिए थे और उसके शरीर पे दो घाव हो गया था, तो दो घाव के कारण वो इतना मतलब कि छोटे से जीव के लिए ज्यादा था, वो दो घाव बहुत काफी था, तो वो motionless हो गया था, चल फिर नहीं रहा था, वहीं पे दुबका हुआ था। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वो पॉट से बिल्कुल चिपका हुआ था ताकि वहां पे कौवे का चोंच ना पहुंच पाए, तो इस तरीके से वो छिप करके वहां पे था क्योंकि उसे घाव लग चुकी थी, उसके शरीर पे घाव हो चुका था। एवरीवन रिमार्क्ड दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाई द क्रोच, सभी ने ये कहा कि वो जो है वो जिएगा नहीं क्योंकि इसके शरीर पे इस तरीके से घाव हो चुका है, कौवे द्वारा ये आघात किया गया, चोट पहुंचाया गया, तो ये जीवित नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। ही बी लेफ्ट अलोन, उसे ऐसे अकेला छोड़ देना चाहिए, ये मर जाएगा। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज, लेकिन मेरा दिमाग ये उनकी व्यू को मानने से स्वीकार नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। एंड देयर फोर, इसलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम, मैंने उसे बहुत प्यार से उठाया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसे मैं अपने रूम में ले आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स विद कॉटन वूल, और रुई के फाहे से, रुई जो होता है उसके, उससे घाव को साफ करके, घाव के घाव था उस पर जो ब्लड लगे हुए थे, जो गंदगी लगी हुई थी उसको उसने साफ किया। एंड अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और उस पर पेनिसिलिन की ऑइंटमेंट लगा दी, पेनिसिलिन की मरहम। आई ट्राइड टू फीड हिम बाय सम हाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक, आगे लिखती हैं कि मैं किसी भी तरीके से उसे कॉटन उल विक, रुई के बत्ती बना करके उससे कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो कुछ खाए। डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, और वो रुई के जो बत्ती था उसको उसने दूध में डुबाया हुआ था और उसके मुंह में वो डाल रही थी ताकि वो कुछ खाए। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपनी मुंह खोलने में असमर्थ था, वो अपनी मुंह नहीं खोल पा रहा था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क वर्ल्डली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और जो दूध के बूंदे थे वो उसके मुंह के दोनों साइड से बाहर निकल जाते हैं। वर्ल्डली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, आगे लिखती हैं कि कई घंटों के प्रयास के बाद, बहुत घंटे उन्होंने कोशिश किया, वह किसी भी तरीके से उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने में सफल हो सके। बट ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर एंड अश्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू टिनी क्लॉज टू होल्ड माई फिंगर एंड गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बीट्स लाइक आईज, आगे है कि बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन ही बिकेम सो मच बेटर, वह इतना अच्छा हो गया। एंड अश्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू टीनी क्लॉज, और इतना अच्छा हो गया कि वह
अपनी क्लॉज, छोटे छोटे क्लॉज थे, पंजे थे, उस पंजे से टू होल्ड माई फिंगर, वो उस पंजे का इस्तेमाल महादेवी वर्मा के फिंगर को पकड़ने में वो करना शुरू कर दिया, उसको फिंगर को पकड़ सकता था। लिखा हुआ माई फिंगर, तो माई फिंगर यहाँ पे महादेवी वर्मा के लिए आएगा, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि वह इतना अच्छा हो गया कि वह अपने छोटे छोटे क्लॉज से मेरी उंगली को पकड़ सकता था, पकड़ने में यूज करना शुरू कर दिया। वो गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बिट्स लाइक आइज, और वह अपने छोटे छोटे मनके की जैसा आंखों के द्वारा, जो ब्लू कलर का था, उससे वह चारों तरफ देखने में भी समर्थ था, वो देख सकता था, उधर घूम सकता था। एंड इन 3-4 months, और लगभग 3-4 महीने में, ही एस्टोनिश्ड एवरी वन विद हिज स्मूथ फर, वह अपने स्मूथ फर से, मतलब जो झब्बेदार उसके फर होते हैं, स्मूथ चिकना, ठीक है, स्मूथ फर से वह सबको क्या क्या आश्चर्यित कर दिया। एंड बुशी टेल, और साथ में झब्बेदार पूछ से, एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज, और अपने नटखट चमकीले आंखों से, और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड, एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिलू। एक ट्रांसफॉर्मेशन की गई, एक परिवर्तन किया गया कि कॉमन से प्रॉपर नाउन में बदल दी गई, ये उसका नाम गिलहरी रख दिया गया, उसे गिलहरी कहना सभी लोगों ने शुरू कर दिया। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विद कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। आगे लिखती है कि आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने एक हल्के भार वाले फूल की जो बास्केट होते, फ्लावर बास्केट जिसको हम डलिया कहते हैं, फूल की डलिया को उसने लटका दिया। लाइंड विद कॉटन वूल, उस पे रुई के क्या कहते हैं, लाइन कर दिया, उस पे तह लगा दिया, एक अस्तर बना दिया जिसपे कि वो आराम से बैठ सके, गद्दार बना दिया वो जगह को। ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर, और इसको कहाँ पे लटकाया गया था, तो विंडो पे, और एक तार के सहायता से। फॉर 2 years, 2 साल के लिए, दिस वाज गीलूज अवार्ड, यह गीलू का आवास था। 2 साल तक वह वही उसी डलिया में रहता था, उसे सोना हो तो उसी डलिया में वो सोएगा, ठीक है, या फिर आराम करना हो तो उसी डलिया में वो जा करके आराम करता था, और उस पर मतलब ये रुई लगा दी गई थी जिससे वो गद्दार भी हो गया था, लाइनिंग कर दी गई थी। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, सभी लोग उसके एंटिक्स अजीबो गरीब और चीज़ें, वो नटखटी था और वो तेज भी था एक तरह से, तो उससे सभी लोग एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित थे। व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब कभी मैं लिखने के लिए बैठती थी, ही वुड बी सीज्ड बाई सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन, तो वो कुछ ऐसा करता कि ताकि वो मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट करे, उसके पास एक ऐसा तरीका था जिससे मेरी अट्रैक्शन उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाया करती थी। डैट ही डिवाइज्ड ए नोवेल वे ऑफ डूइंग इट, तो वो मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक नया तरीका अपना लिया था, एक नए तरीके से वो मेरे अटेंशन को अट्रैक्ट करता था। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फिट, उसकी हिम्मत होती कि वो मेरे फिट पैरों के पास आ जाता था, वो हिम्मत करके मेरे पैरों के नज़दीक आता था। विच स्विफ्टली अप द कर्टन्स, और फिर वो तेजी से फिर क्या करता कि कर्टन्स के ऊपर चढ़ जाता था। एंड डिसेंड विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड, और फिर उसी तेज स्पीड के साथ फिर नीचे भी वो आ जाता था। कहने मतलब यह है कि जब राइटर जो थी महादेवी वर्मा, वो कभी लिखने के लिए बैठती तो वो उसकी अटेंशन को भंग करता था, उसके ध्यान को भंग करने की कोशिश करता, उसके ध्यान को अपने तरफ खींचने का प्रयास करता, और एक उसके पास एक नया तरीका भी अपना लिया था कि कैसे महादेवी वर्मा के ध्यान को अपने तरफ खींचना है। तो उसके लिए वो क्या करता कि उनके पैरों के पास जाता, फिर पैरों से होकर के फिर वो कर्टन पर चला जाता, पैरों से होकर के ऊपर की तरफ, फिर कर्टन पर जाता, पर्दे पे, पर्दा जो लगा हुआ था, फिर वहाँ से फिर वो नीचे उतरता, फिर वो नीचे आ जाता, ठीक उसी स्पीड से जिस स्पीड से ऊपर चढ़ता वो, फिर उनके पैरों पर आता, ऐसे वो हमेशा करता रहता था। दिस सिक्वेंस वुड बिकॉम
टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और यह सीक्वेंस जो है वह उस समय तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि मैं उसे पकड़ नहीं लेती थी, ये बता रही है। ये हमेशा फिर चलता रहता था, जब उसे पकड़ लो तो फिर वो शांत हो जाएगा। ऑन सम ओकेजन्स, कभी कभी किसी किसी अवसर पे, आई यूज टू होल्ड गिलू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवलप। कभी कभी वो क्या करती थी कि उसको पकड़ लेती थी और पकड़ करके उसको, उसके छोटे से शरीर को एक बड़े से लिफाफे में डाल देती थी। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। कभी कभी वो टेबल पे बहुत देर तक खड़ा रहता, दीवार से झुक करके, दीवार और टेबल से लग करके वो बहुत देर तक कभी कभी वो खड़ा ही रहता था। इन सच एन अमेजिंग कंडीशन, यानी एक ऐसे ही बिल्कुल एक अमेजिंग कंडीशन में, फोर आवर्स, घंटों, एंड वॉच माई एक्टिविटीज विद हिज रेडियंट आइज, और वो अपने चमकीले आंखों से मेरे सारे एक्टिविटी को देखता, जो कुछ भी मैं करती वो सबका सब वो देखता। When hungry, जब वो भूखा होता था, he would inform me by twittering chick chick, तो वह चिक चिक की चहचहाट के द्वारा मुझे इन्फॉर्म करता था। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और वह बिस्कुट और काजू जब उसे कुछ मिल जाता तो अब जाकर के वो चुप होता था। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, मैं चिक चिक की चहचहाट से आश्चर्यचकित थी। व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल्स डेट वेयर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मेस विंडो, जो मुझे उसके और दूसरे गिलहरियों के बीच एक मालूम जानकारी मालूम चली, जो कि विंडो के वायर मेस जो विंडो था, जाली लगा हुआ विंडो था, उसके नज़दीक गिलहरियाँ आकर के खेलती थी, तो उसके और तो उस सारी गिलहरियों और जो गीलू था उनके बीच मुझे ऐसा कुछ मालूम चला। Seeing Gilu sitting near that the window and affectionately peering at the world outside, तो उसे यह मालूम चला महादेव वर्मा को कि वो जैसे कि लहरी उसके पास वायर मेज के पास आकर खेलती थी सर, जो विंडो है तो वहाँ पर सब खेलती थी, तो गिलहरी जो गीलू है वो विंडो के नज़दीक बैठ करके और बाहर की दुनिया को बहुत ही अफेक्शनेटली तरीके से देखता था, टकटकलेगा दिखता था, प्यार से देखता था। Made me realize that it was necessary to set him free. तो मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि यह necessary था कि उसको मतलब क्या किया जाए, इसको free किया जाए। इसमें बात यह लिखा गया है कि गीलू जो है वो वायरमेस विंडो जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे वो बैठ करके वह बाहर की दुनिया को देखता, तो बाहर की दुनिया में देखता तो वहाँ पे बहुत सारी दूसरी गिलहरियाँ आकर के खेलती थी नज़दीक में ही, तो उसको भी मन होता है कि मैं भी अपनी गिलहरियों जो है वहाँ पे लोग है दूसरे मतलब अपने परिवार के साथ जाकर, परिवार तो है नहीं मतलब कि उनकी जाति के लोगों के साथ जाकर वो खेलता वो भी बाहर जा करके, लेकिन वो तो बंद था वहाँ पे। इसलिए महादेव वर्मा को ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इसको फ्री करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ नेल्स को वहाँ से रिमूव करके, जाली को काट करके, जाली निकाल में से कुछ जो तार है उसको निकाल करके, आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस के कॉर्नर में मैंने एक छोटा सा ओपनिंग बनाया, एक छोटा सा जगह बनाया, रास्ता बनाया ताकि वहाँ से वो बाहर निकल सके और अंदर आ सके। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिलू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, और बाहर जा करके, बाहर जाने में सक्षम हो करके इस ओपनिंग के द्वारा गिलू बहुत ही खुश था स्वतंत्र होकर के। ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स, मेरे महत्वपूर्ण कागज और पत्रों के कारण, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरा रूम मेरे अनुपस्थिति में अक्सर बंद हुआ करता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न, और उस समय जब मेरे वापस आने पे रूम को खोला जाता था फ्रॉम कॉलेज से आने के बाद, आई स्टेप्ड इन, जब मैं अंदर जाती, मैं अंदर कदम बढ़ाती अपने रूम में जाती थी, गिलू वुड रश ऑन टू मी, गिलू मेरे ऊपर मतलब कि दौड़ कर चढ़ करके आता था, एंड क्लाइम्ब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टू, और वह मेरे
टो से, तो सिर से पाँव तक वो ऊपर चढ़ता उतरता था, कभी सिर से नीचे की तरफ जाएगा पाँव तक, पैरों की उंगलियों तक, और फिर पैरों की उंगलियों से फिर ऊपर की तरफ जाते हुए फिर सीट पे जाएगा, फिर नीचे उतरेगा, ऐसा वो करता था। सिंस देन, तब से दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, तब से यह उसका रेगुलर प्रैक्टिस बन चुका था कि वो मेरे पैरों से होकर के सीट पे चढ़ेगा ऊपर की तरफ, और फिर ऊपर से फिर मेरे नीचे तक आएगा। ऑन माई लीविंग द रूम, रूम को छोड़ने पर गिली वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेस ओपनिंग ऑफ द विंडो। गीलू भी जब मैं रूम को छोड़ती थी, कि बता रही है कि मेरे रूम के छोड़ने पर गीलू भी विंडो के वायर मेस ओपनिंग के द्वारा वो भी अब एग्जिट कर लेता था। एग्जिट मतलब कि वो भी बाहर चला जाता था, यानी कि मैं जब अंदर आई तो वो अंदर आया, और जब मैं बाहर गई तो बाहर गया, ऐसे होता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विद हिज लॉट, वो पूरे दिन अपने लॉट के साथ बिताता था, खेलने में कूदने में, जंपिंग प्रांसिंग अप डाउन द ब्रांचेज, शाखाओं पे, बगल में पेड़ होता तो उसी पेड़ पे कूदने, इधर कूदने, फांदे में, खेलने में, वो पूरा पूरा दिन अपने साथी गिलहरी के साथ वो बिताता था, अपने समूह के गिलहरियों के साथ। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, मेरे पास बहुत सारे पालतू जानवर हैं, पक्षियाँ हैं, और सभी के सभी मेरे बहुत शौकीन हैं, यानी कि सभी जो है महादेव रंग को प्यार करते थे। बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उनमें से कोई डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माय प्लेट, मेरे प्लेट से खाने की हिम्मत की हो। गिलू वाज एन एक्सेप्शन, गिलू एक अपवाद था, गिलू के पास हिम्मत थी। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, और उस क्षण जब मैं डाइनिंग रूम में जाती थी, पहुंचती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वो विंडो से फिर आ जाता था, क्योंकि विंडो से तो जगह बन गया था आने जाने का, एक छोटा सा ओपनिंग बन गया था, तो विंडो से वो, उसको मालूम होता था कि कब डाइनिंग टेबल पे वो जा रही है महादेव वर्मा खाने के लिए, तो वो डाइनिंग रूम में जब वो जाती है तो वो भी वहां पे आ जाता। क्रॉस ओवर द कंट्री यार्ड वॉल, कोर्ट यार्ड वॉल, यानी कि आंगन के दीवार को पार करते हुए, एंड द बरांडा, बरांडा को पार करते हुए रिच द टेबल, वो टेबल पे पहुंच जाता था। वुड वांट टू सिट इन माय प्लेट, और मेरे प्लेट में बैठने की कोशिश करता था, बैठना चाहता था वो। विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही कठिनाई के साथ, आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया, टू सिट क्लोज टू माय प्लेट, मेरे प्लेट के नजदीक बैठने के लिए। हिज फेवरेट फूड वेयर ही वुड डेक्सटरसली ईट इच ग्रेन ऑफ साइड, वो उसका फेवरेट फूड जो था ना वो काजू था। ओके, तो वो फेवरेट फूड ही खाता, वो कोई दूसरा फूड नहीं खा पाता था, तो अपने फेवरेट फूड को छोड़ करके वो किसी दूसरे फूड को खाना पसंद नहीं करता था। तो जब वो महादेव वर्मा के प्लेट के पास बैठता तो वो अपनी फेवरेट फूड तो काजू था, लेकिन वो चावल के दाना जो था उसको, प्रत्येक चावल के दाने को वह दक्षतापूर्ण यानी अच्छे तरीके से उसको उठा उठा कर खाता था, जैसे मानो कि वो बहुत अच्छा ट्रेंड हो चावल के दाने उठा खाने में, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से। ही फेवरेट फूड वाज काजू, उसका फेवरेट फूड काजू था, वैसे तो पहले ही बता दिया मैं आपको। When not available for several days, और जब कभी बहुत दिनों तक available नहीं होता था, he would refuse other food items, वो दूसरे food item को refuse कर देता था, नहीं खाता था उसको। Threw them down from the swing, और जो झूला लगाया गया था उससे वो नीचे फिर गया। झूला कहने का मतलब यह है कि जो डलिया था जिसमें कि वो रहता था उसी में खाना दी जाती थी खाने के लिए, तो दूसरा food item दे दो तो नहीं खाता था, उसे उस डलिया से नीचे फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम बींग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, महादेव बताती है कि उस समय की बात है जब मैं मोटर कार एक्सीडेंट हो गया था, मुझे मैं उसमें घायल हो गई थी। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ समय हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था, कुछ दिन। दोज डेज, उन दिनों, वेन एवर फॉर वेयर एवर माई रूम वॉज ओपन, यानी कि वेन एवर यहाँ पे होना चाहिए, वेयर एवर लिखा हुआ है, वैसे जब कभी भी मेरा रूम खुलता था, खोला जाता था। गीलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गीलू
अपने स्विंग से तेजी से नीचे आता था, बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी और को देख करके, ही वुड विद द सेम एलक्रिटी सेटल बैक टू हिज इन हिज नेस्ट। वह उसी स्पीड से, जिस स्पीड से वो आता था, फिर उसी स्फूर्ति से फिर वो क्या होता था कि वापस चला जाता था अपने नेस्ट में। अगर महादेवी वर्मा को वहां नहीं देखता था, किसी और को देखता था, तो एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, सभी लोगों ने उन्हें काजू ऑफर किया। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माय रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब मैंने उसके स्विंग को साफ किया मेरे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद, आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, मैंने पाया कि यह काजू से भरा हुआ था। विच ओनली शोड हाउ लिटल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज, जो कि यह शो करता है, प्रदर्शित करता है कि कितना कम वह खाया था अपने फूड, फेवरेट फूड आइटम को। फेवरेट फूड उसका आइटम था काजू, मतलब कि पसंदीदा खाना को उसने खाया ही नहीं था दो दिन उन दिनों। इससे यह मालूम चलता है कि गीलू महादेवी वर्मा को बहुत ही प्यार करता था, और जब महादेवी वर्मा नहीं थी, वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो उन दिनों अपने फेवरेट फूड आइटम को भी उसने नहीं खाया हुआ था उनके एब्सेंस में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय इंडिस्पोजिशन, मेरी बीमारी की अवस्था के दौरान, जो जितना दिन बीमार रही वो, ही वुड सीट नियर माय हेड ऑन माय पिल्लो, वह मेरे पिल्लो पे मेरे सिर के नजदीक आकर के बैठता। एंड जेंटली स्ट्रोक माय फोरहेड एंड हेयर, और बहुत ही प्यार से मेरे ललाट को और बालों को वो क्या करता, उसको सहलाता। एंड हिज मूविंग अवे वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और वो ऐसे मूव करता अपने पंजों से जैसे कि एक नर्स और अटेंडेंट करती है, जैसे लोग बालों को सहलाते हैं, फिर बालों में उंगली करते हैं, या फिर उसके लाट पे हाथ फेरते हैं, जैसे एक अटेंडेंट कह सकते हो, नर्स कह सकते हो, सेवक जैसा काम करता है, उस तरीके से वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा था एक इंसान के भांति। When I used to work during summer afternoons, और जब मैं समर आफ्टरनून, गर्मी के दिन जो होते, उसके दोपहर के बाद के दौरान जब मैं काम करती थी, गीलू वुड अब्सटेंड फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, गीलू बाहर जाने से हिचकता था, वो बाहर नहीं जाता था, और सीटिंग इन हिज स्विंग अपने, और ना ही वो अपने स्विंग में बैठता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, वो अपने आप को मेरे नज़दीक रखने के लिए, ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और समर हीट को टैकल करने के लिए, उसका उसे उसको सामना करने के लिए, यानी कि गर्मियों कम करने के लिए खुद, ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, उसने एक बिल्कुल ही नया तरीका अपना लिया था, एक नया तरीका खोज लिया था समर हीट को टैकल करने के लिए। ही वुड लाई पोस्ट्रेट ऑन द सुराही केप नियर मी, आगे लिखती है कि वह मेरे नजदीक रखे हुए सुराही पे पोस्ट्रेट लाई कर जाता था। पोस्ट्रेट कहने का मतलब यह है कि अपने पेट और छाती के बल सुराही पे चिपक जाता था, उस पे लेटा हुआ होता था। एंड दस रिमेन बोथ क्लोज टू मी एज वेल एज बी कूल, तो इस तरीके से वो दोनों होता था, वो ठंडा भी रहता था और मेरे पास भी रहता था, तो दोनों मिल जाता था उसको। वैसे महादेव वर्मा को बहुत प्यार करता था, तो उसके पास रहने का तरीका यही है कि जो गर्मी भी लग रही थी, तो गर्मी लग रही थी तो क्या करता है कि सुराही ठंडा होता है, तो सुराही के ऊपर वो चिपक के ऐसे सो जाता था। इस तरीके से वो महादेव वर्मा के पास भी रहता और ठंडा भी रहता, यही लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 ईयर्स, आगे बता रहे हैं महादेव वर्मा, गिलहरियों का जीवन काल जो होता है वो लगभग 2 साल का होता है, मुश्किल से 2 साल का ही होता है। एज सच गीलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, तो गीलू की लाइफ जो है वो अब खत्म होने के कगार पे आ गई, अब वो खत्म हो गई। फॉर होल डे, पूरे दिन तक ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही मतलब बाहर जाने की हिम्मत की। इन द नाइट, रात में, इवन विद पेन ऑफ गोइंग अवे
और रात में दर्द होना शुरू हो गया। ही केम टू माई बेड, वह मेरे बेड के नजदीक आया। फ्रॉम द स्विंग, झूले से। एंड क्लच द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और वह मेरे उसी फिंगर को पकड़ा, सेम फिंगर को पकड़ा अपने ठंडे क्लॉज से, अपने ठंडे पंजे से। विच ही हैड क्लंग टू, जिसको उसने बहुत पहले पकड़ा हुआ था। शुरू शुरू में जब महादेव वर्मा आए थे तो वो पकड़ा हुआ था उसके हाथों को, जब अच्छा हुआ था तो दो तीन दिन के बाद, तीन दिन के बाद, तो उस उंगली को ही पकड़ा अभी भी जब वो मरने वाला था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, यानी कि ये बता रहे हैं कि जब अपने नेटल डेज यानी बचपन के दौरान जब वो मरने की अवस्था में था और उसने मेरी जिस उंगली को पकड़ा हुआ था, फिर उसी उंगली को अभी भी 2 साल के बाद जब मरने वाला है तो उसको पकड़ता है। द क्लॉज वी आर गेटिंग सो कोल्ड डैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, और जो उसके पंजे थे वो इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर चालू कर दी। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और मैंने उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश की। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टचड हिम ही डिपार्टेड, लेकिन जैसे ही सुबह की किरण उसे छुई, पहली किरण उसे छुई, वो डिपार्ट कर गया यानी कि वो गुजर गया। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, हुक से उसकी झूले को नीचे उतार लिया गया। एंड ओपनिंग मेड इन वायरमेस विंडो वाज क्लोज, और जो ओपनिंग बनाई गई थी विंडो में वो बंद कर दी गई, जो खिड़की में ओपनिंग बनाई गई थी, जो दरवाजा बनाया गया था जिससे वो निकलता था, उसको बंद कर दी गई वायरमेस में। गिलू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर बोथ, सोनजूही क्रीपर, गिलू को सोनजूही क्रीपर के नीचे इटर्नल रेस्ट दे दी गई, यानी कि वहां पे उसको दफना दी गई। बोथ, दोनों, बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीप दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह इस क्रीपर को सबसे अधिक प्यार करता था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन के कारण भी, आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ, मतलब कि मैं अपने विश्वास से ये पाई, मतलब कि वो, मतलब उसको लगा कि मुझे क्या करना चाहिए कि यही वो फरे मैं गलत बता दिया। आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ डैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग, तो वो उसको लगा कि उसको सेटिस्फैक्शन हुआ महादेव वर्मा को, अगर मैं यहाँ पे दफना देती हूँ और जो सुनजूही का लत्ता है, सुनजूही के लत्ता पे अगर मैं उसको दफना देती हूँ तो हो सकता है कि किसी दिन मतलब स्प्रिंग डे में जब बसंत का ऋतु आएगा तो उस समय यह फ्लावर के रूप में उसे फिर पालेंगे, यानी कि जो गिलू है उसमें से फिर फ्लावर के रूप में निकलेगा, मर गया है तो फ्लावर के रूप में उसको देखती रहेंगी। इसीलिए उसने क्या किया कि सोनजूही क्रीपर के जड़ के पास ही उसको दफना दिया। एंड ब्लॉसम इन द गुइस ऑफ अ टीनी येलो जूही फ्लावर, और यानी कि वही जूही फ्लावर जब उसमें ब्लॉसम करेगा, ठीक है, तो उसके रूप में वो उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगा कि मैंने आपको गिलू जो लेसन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा, तो अगर कोई इसमें डाउट हो, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कृपया जो क्या कहते हैं कमेंट्स दे सकते हैं आप, और कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये लेसन कैसा लगा, मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया, क्या मेरी जो टीचिंग स्टाइल है वो ठीक है, या फिर इसमें आपको क्या कमी लग रही है, ठीक है, तो आप इसको बताइए ताकि उसमें और आगे सुधार किया जा सके। वैसे मुझे लगा कि मैंने तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया हुआ है, ओके, और आपको स्टोरी भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है गिलू की और महादेवी वर्मा की। तो आप अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक ये बताएं, शेयर करें फ्रेंडों दोस्तों के साथ कि यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाई की जा रही है, ठीक है, और उसमें ऐसे मतलब कि सारे मतलब कि चीज़ों को अच्छे तरह से डिफाइन की जा रही है, बताया जा रहा है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते